दैनिक दबंग दुनिया ने अपने मुख्य प्रश्न पर स्मार्ट सिटी परियोजना के चयनित शहरों की पहली सूची जारी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुने गए पहले समूह में इंदौर सहित मध्य प्रदेश के 3 शहरों का नाम है। मध्य प्रदेश से इंदौर, भोपाल और जबलपुर का चयन किया गया है। इंदौर का नाम घोषित होने के बाद इंदौर के राजवाड़ा पर महापौर और MIC मेंबर्स ने जश्न मनाया। पाकिस्तान में तिरंगा फहराने वाले कोहली के फैन को 10 साल तक की सजा हो सकने की खबर को भी अखबार के प्रथम पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। खबर के मुताबिक टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के फैन उमर दराज को भारत की जीत पर तिरंगा फहराना भारी पड़ सकता है। वहीं इस मामले में विराट का कहना है कि उसे फैन के तौर पर देखा जाना चाहिए। प्रदेश में नई शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव को CM द्वारा नामंजूर किए जाने की खबर भी पहले पन्ने पर है। अखबार के मुताबिक प्रदेश में शराब की बाढ़ लाने की तैयारी करने वाले आबकारी विभाग को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। विभाग शराब की 200 नई दुकानें भी खोलने की तैयारी कर रहा था, जिसका प्रस्ताव CM ने नामंजूर कर दिया। अखबार के राज्य पेज पर सिंहस्थ 2016 को लेकर एक खबर है, जिसमें सिंहस्थ के दौरान 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। खबर के मुताबिक मेला क्षेत्र सभी सुविधाओं से लैस होगा। अखबार के देश विदेश पेज पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किताब में किए गए खुलासे की खबर है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहा।